सब्सक्राइब करें द स्पीड स्टडी चैनल को और घंटी वाले बेल आइकन को जरूर दबाएं। नमस्कार दोस्तों, आज आपका हमारे चैनल द स्पीड स्टडी पर एक बार फिर से स्वागत है। हम लोग जो है 50 गोल्डन रूल की जो है आज श्रृंखला को स्टार्ट कर रहे हैं। जैसा कि आप जानते होंगे कि आपका एग्जाम जो है आना ही है और होना ही है, तो उसी क्रम में हम लोग आज स्टार्ट करेंगे। और आज हम लोग जो है 50 गोल्डन रूल में सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि जो महत्वपूर्ण है, जो हमेशा पूछे जाते हैं। तो ये क्लास आपकी 13 सितंबर को चलने वाली थी, लेकिन कुछ प्रॉब्लम की वजह से ये आज चल रही है दोस्तों। वहीं अगर हम बता दें कि एयरफोर्स की जो नई बैच है आपकी, एयरफोर्स की जो नई बैच है वो दिसंबर से शुरू होगी, इसलिए आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को पहुँचाएँ। और दिसंबर से जो आपको शुरू होगी बैच, उसमें अच्छा मटेरियल दिया जाएगा, लाइव ऑन बोर्ड चलेगा दोस्तों, लाइव ऑन बोर्ड चलेगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। और दोस्तों, रूल नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों, लिखा है, सामान्यतः एक वर्ब सब्जेक्ट के अनुसार सिंगुलर या प्लूरल होती है, फिर भी निम्नलिखित नियमों का ध्यान रखें। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। जी हाँ दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, और ग्रामर की जान इसको माना जाता है दोस्तों। तो देखिए, रूल नंबर 1, दो या दो से अधिक सिंगुलर नाउन अगर एंड से जुड़े हैं तो वर्ब प्लूरल रखते हैं। मतलब क्या हुआ दोस्तों, कि अगर दो या दो से अधिक जो सिंगुलर नाउन हैं, अगर उनको एंड से जोड़ दिया जाए, जैसे देखिए दोस्तों, राधा एंड सीता इज रीडिंग दियर बुक। तो दोस्तों, यहां पर आप देखेंगे कि राधा एंड सीता, तो कहेंगे सीता भी नाम है, राधा भी नाम है, नाम के साथ एक वचन का प्रयोग किया जाता है, अर्थात सही है। लेकिन दोस्तों, ये गलत है, सही नहीं है। देखिए, राधा एंड सीता जब भी दो सिंगुलर नाउन हो, लेकिन वो दोस्तों एंड से जुड़े हों, किससे जुड़े हों, एंड से जुड़े हों, तो इसमें जो हेल्पिंग वर्ब लगती है दोस्तों वो प्लूरल लगती है। तो इसीलिए दोस्तों, यहां पर इज ना होकर के क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, राधा एंड सीता आर रीडिंग दियर बुक्स। वहीं आगे बात करें दोस्तों, ही एंड सी वाज डूइंग दिस वर्क। तो देख रहे हैं दोस्तों, ही एक वचन है, सी एक वचन है, आप कहेंगे इसके साथ वाज लगा है, सही है दोस्तों। लेकिन फिर वही मैंने कहा ना, कि अगर आपको दो सब्जेक्ट एंड से जुड़े हुए मिल जाए, हमेशा याद रखिएगा, दो सब्जेक्ट कोई भी सब्जेक्ट हो, अगर वो एंड से जुड़े हैं तो वहां पर दोस्तों प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं, अर्थात वेयर का प्रयोग होगा, ऑप्शन ये वाला हमारा सही हो जाएगा। रूल नंबर 2 पर देखें दोस्तों, इसको आप नोट करते चलिएगा, इसको आप नोट करते चलिएगा। एक बार जल्दी से जय हिंद लिखिए दोस्तों, एक बार जल्दी से जय हिंद लिखिए और शेयर करिए दोस्तों, एक बार जल्दी से जय हिंद लिखिए और शेयर करिए। आशीष, अभिषेक, दिलीप, पंकज, किशन, मोहित, सभी लोग एक बार जल्दी से शेयर कर दीजिए दोस्तों। और टारगेट रखिए, टारगेट रखिए, मैंने कहा कि आप हमें खुश करिए, आपको मैं क्लास दूंगा और जरूर दूंगा। सिंगुलर नाउन, अगर दो सिंगुलर नाउन को एंड से जोड़ा गया है और एक ही व्यक्ति, वस्तु या विचार के बारे में बात की गई हो, दोस्तों जिन दो सिंगुलर नाउन को जोड़ा गया है एंड से, अगर वो एक ही व्यक्ति के बारे में बता रहे हैं, एक ही वस्तु के बारे में बता रहे हैं, या एक ही विचार के बारे में बता रहे हैं, तो वहां पर दोस्तों सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। जैसे राइस एंड करी आर ए टेस्टी डिश, मतलब हुआ दोस्तों कढ़ी और चावल, राइस एंड करी मतलब कढ़ी चावल आर टेस्टी डिश, बहुत स्वादिष्ट भोजन है दोस्तों। तो देखिए, यहां पर देख रहे होंगे राइस और करी, ये एंड से जुड़ा है, आप कहेंगे सर जी सिंगुलर है और सिंगुलर एंड से अगर जुड़ा है तो आर अर्थात सही है। लेकिन दोस्तों, मैंने कहा कि अगर एक ही चीज को दिखाए, जैसे राइस और कढ़ी, ये दोस्तों जोड़ी है, कढ़ी चावल की जोड़ी है, तो इसीलिए दोस्तों इसके साथ इज का प्रयोग करेंगे, अर्थात एक वचन का प्रयोग करेंगे। जैसे द हॉर्स एंड कैरेज आर नॉट अवेलेबल टूडे, तो दोस्तों यहां पर देख रहे हैं द हॉर्स एंड कैरेज आर नॉट अवेलेबल, तो ये दोनों एक ही चीज के बारे में बता रहे हैं, इसलिए इसके साथ आर का प्रयोग ना होकर किसका प्रयोग होगा, इज का प्रयोग होगा। तो अर्थात अगर समझ में आ रहा हो दोस्तों, तो एक बार लाइक करिए, एक बार लाइक करिए दोस्तों, बहुत कम लोग देख रहे हैं, एक बार शेयर करिए। और निश्चित ही मैंने कहा कि आप हमारे साथ बने रहिए, आपको मैं बीच बीच में कुछ ना कुछ जरूर देता रहूंगा दोस्तों, और नई बैच में आना ना भूलिएगा।
दो सिंगुलर नाउन को एंड से जोड़ा गया हो और उनसे पहले ईच एवरी नो लगा हो तो वर्ब को सिंगुलर रखें। मतलब दोस्तों अगर एंड से जुड़ा हो लेकिन इसके पहले ईच मिल जाए, एवरी मिल जाए, नो मिल जाए तो इसको सिंगुलर में ही रखा जाता है। जैसे ईच बॉय एंड एवरी मैन वेयर कमिंग टू पार्टी, मतलब ईच बॉय प्रत्येक लड़का, एवरी मैन प्रत्येक आदमी, वर कमिंग टू द पार्टी मतलब पार्टी में आ रहे थे। तो दोस्तों याद रखिएगा मैंने कहा कि अगर एक व्यक्ति के बारे में बात रहेगी तो सिंगुलर लगेगा। यहां पर देखिए ईच बॉय, ईच का मतलब हुआ दोस्तों प्रत्येक, और प्रत्येक का मतलब क्या हुआ दोस्तों प्रति एक, मतलब एक आ गया ना, मतलब एक एक व्यक्ति। तो इसके लिए दोस्तों यहां पर वर ना होकर के क्या हो जाएगा, वाज हो जाएगा। जैसे नो बॉय एंड नो गर्ल वर लेट, कोई लड़का लेट नहीं था। तो दोस्तों यहां पर अगर नो लग जाएगा तो नो के साथ हमेशा क्या आएगा, सिंगुलर वर्ब आएगी अर्थात वाज आ जाएगी। वहीं दोस्तों अगले चौथे वर्ड पे चलें तो हमने कहा बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा दोस्तों, बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा, एकदम मजा आएगी, लाजवाब क्लास रहेगी। तो देखिए रूल क्या है, रूल नंबर 4, दो सिंगुलर नाउन एंड से जोड़ा गया हो लेकिन पहले वाले नाउन के पहले आर्टिकल लगा हो तो वह दोनों व्यक्ति एक ही व्यक्ति की ओर इशारा करते हैं, इसलिए वर्ब सिंगुलर लीजिए। मतलब क्या हुआ दोस्तों, अगर दो नाउन हो दोस्तों, नाउन प्लस नाउन, अगर दो नाउन हो, फिर से देखिएगा, अगर दोस्तों दो नाउन हो, मैंने क्या कहा देखिएगा, अगर दो नाउन हो अर्थात नाउन प्लस नाउन, अगर दो नाउन हो और एक के पहले आर्टिकल लगा हो, कुछ भी आर्टिकल लगा हो, तो इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि ये दोनों नाउन एक ही व्यक्ति हैं। जैसे जैसे कि आप देख रहे होंगे दोस्तों, इसको मैंने एक बार और बताया था, द प्रिंसिपल एंड मैनेजर, तो यहां पर देख रहे हैं दोस्तों प्रिंसिपल है, मैनेजर है, और द जो लगा है एक के पहले द लगा है, तो हमने कहा कि अगर दो नाउन है और एक के पहले आर्टिकल लग जाएगा दोस्तों तो ये दोनों नाउन एक ही व्यक्ति को दर्शाते हैं। इसका मतलब जो प्रिंसिपल है वही मैनेजर भी है। तो इसके साथ दोस्तों हैव का प्रयोग नहीं होगा, हैज का प्रयोग होगा। उसी तरह देखिए दोस्तों द मैनेजर एंड द प्रिंसिपल इज कमिंग, तो यहां पर देख रहे हैं दोस्तों दोनों के पहले द लग गया था, दोनों के पहले आर्टिकल लग गया, इसका मतलब यह हुआ कि ये दोनों अलग अलग हैं, मतलब मैनेजर अलग है और प्रिंसिपल अलग है। जब अलग अलग लग जाएगा दोस्तों तो यहां पर इज नहीं होगा, वाज हो, मतलब कि आर होगा। क्या बताया सुनिएगा, नाउन प्लस नाउन अर्थात दो नाउन रहे और एक के पहले आर्टिकल लगा रहे, कुछ भी ए एंड द कुछ भी हो सकता है, तब इसके साथ दोस्तों सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगेगी। ठीक, इसके साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगेगी। वहीं दोस्तों अगर दो नाउन हो और दोनों के पहले आर्टिकल लगा हो, जी हाँ दोस्तों अगर दो नाउन हो और दोनों के पहले आर्टिकल लगा हो तो इसके साथ दोस्तों प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लगती है। याद रखिएगा हमेशा दो चीज हमने बताया, अगर एक के पहले आर्टिकल रहेगा तो सिंगुलर, अगर दोनों के पहले आर्टिकल रहेगा तो प्लूरल लगती है। समझ में आ रहा है कि नहीं, एक बार जय हिंद लिखिए दोस्तों, एक बार जय हिंद लिखिए, और जय हिंद लिखिए दोस्तों, एक बार जय हिंद लिखिए। सभी लोग कमेंट में आइए दोस्तों, सभी लोग कमेंट में आइए, अभिषेक, आशीष, नील प्रताप, सभी लोग कमेंट में आइए दोस्तों। तो चलिए देखते हैं अगला, और रूल नंबर 5 देखते हैं दोस्तों क्या कह रहा है, कि मोर देन वन होने के पर वर्ब सिंगुलर रखते हैं दोस्तों। मोर और प्लस प्लूरल नाउन प्लस देन वन अगर रहेगा तो इसमें प्लूरल रखते हैं। जैसे मोर देन वन, मोर का मतलब क्या हुआ आप ऐसे सुन लीजिए, मोर का मतलब हुआ दोस्तों अधिक, क्या हुआ अधिक, अधिक का मतलब क्या हुआ कि एक से ज्यादा अगर रहता है दोस्तों तो वहां पर, एक से ज्यादा रहता है तो वहां पर दोस्तों अधिक का प्रयोग किया जाता है। जैसे हमने कहा कि एक से ज्यादा रहेगा तो वहां प्लूरल लगता है आपका। तो देख रहे हैं मोर देन वन, एक से अधिक कैंडिडेट है का मतलब कि एक से अधिक कैंडिडेट आ रहे हैं। तो दोस्तों अब अगर मोर देन वन मिल जाए आपको, मोर देन वन मिल जाए तो याद रखिएगा, एक मिनट रुक जाइएगा, मोर देन वन मिल जाएगा दोस्तों तो उसके साथ जो हेल्पिंग वर्ब लगेगी वो क्या लगेगी दोस्तों, सिंगुलर लगेगी। वही मोर पर्सन देन वन मतलब बहुत से आदमियों में से एक, देखिए मोर देन वन मतलब, मोर मतलब बहुत से में एक, तो हमने कहा अर्थात एक के लिए ही हो रहा है। मोर देन वन बहुत से में एक, मोर पर्सन देन वन बहुत से लोगों में एक, तो अर्थात एक की ही बात हो रही है। तो एक की अगर बात होगी तो इसके साथ क्या लगेगा दोस्तों, हैज लगेगा। वहीं यहां नीचे देख रहे हैं दोस्तों मोर पर्सन देन
वन, तो एक में से अधिक पर्सन, तो अब चूंकि एक से ज्यादा के बारे में अगर होगा तो वहां पे हैव लगेगा दोस्तों। जैसे आइए हम कुछ एरर देख लेते हैं दोस्तों, आइए कुछ एरर देख लेते हैं और आप लोग बताइए पहले में क्या क्या एरर होगा। पहला वाला बताइए दोस्तों, आप लोग बताइए दोस्तों पहले में क्या एरर होगा, थोड़ा मैं बड़ा कर दे रहा हूं, आप लोग इसको बताइए दोस्तों कि पहले में क्या होगा। ठीक है, चलिए पहले में बताइए क्या होगा, द बॉयज एंड द गर्ल्स हैज डन दियर वर्क, बताइए आप लोग इसमें एरर क्या है। अभी तक किसी ने जवाब नहीं दिया दोस्तों, बताइए कि इसमें क्या एरर है दोस्तों, कहां पर एरर है आप बताइए। द बॉयज एंड द गर्ल्स हैज डन दियर वर्क, तो दोस्तों देख रहे हैं ये भी बॉय भी नाउन है, गर्ल भी नाउन है, इसके पहले भी दा लगा है, इसके पहले भी दा लगा है। हमने कहा कि अगर दोनों में दा लगेगा दोस्तों तो जो हेल्पिंग वर्ब लगेगी वो प्लूरल हो जाएगी, अर्थात यहाँ पे बी पार्ट में हमारा एरर है, जैसा कि देख रहा हूँ बहुत सारे बच्चे ने सही जवाब दिया। चलिए अच्छा दूसरा बताइए, दूसरे में कमेंट करिए टू लिख करके, तब आंसर दीजिएगा जहाँ पर एरर हो, टू एंड टू वन टू 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 बी मतलब टू ए टू बी टू सी टू डी, कमेंट करके बताइए दोस्तों कहां पर एरर है। ब्रेड एंड बटर, मतलब ब्रेड और बटर जो है आर लाइक्ड बाय एवरीवन, सभी के द्वारा पसंद किया जाता है दोस्तों, आप कमेंट करिए बताइए कहां पर एरर है दोस्तों, कहां पर एरर है आप बताइए। तो हमने कहा दोस्तों जैसे आप देखे थे कढ़ी एंड चावल, कढ़ी चावल दोस्तों पूरा एक ही माना जाता है, उसी तरह ब्रेड एंड बटर भी एक ही माना जाएगा, और इसके साथ दोस्तों आर का प्रयोग नहीं होगा अर्थात इज का प्रयोग होगा, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगेगी दोस्तों, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगेगी, तो बी पार्ट में हमारा एरर है। वहीं आगे देखिए दोस्तों, माई फ्रेंड कामा फिलोसफर एंड गाइड हैव कॉल्ड, इसमें एरर बताइए दोस्तों, इसमें अगर बता देंगे तो मैं जान जाऊंगा कि हाँ आपको आ गया है। तीसरे को बताइए दोस्तों, कमेंट करिए देखता हूं कि कौन बच्चा सही जवाब देता है दोस्तों, अभी तक किसी ने जवाब नहीं दिया, कमेंट करिए दोस्तों। हाँ देख रहा हूं बिल्कुल सही, बिल्कुल सही दोस्तों, बिल्कुल सही, इसका मतलब समझ में आ रहा है आपको, यानी कि माई फ्रेंड फिलोसफर एंड गाइड, देखिए दोस्तों माई फ्रेंड मतलब मेरा मित्र, फिलोसफर भी है गाइड भी है, ये दोनों कौन है, मेरा मित्र है, तो एक ही व्यक्ति के बारे में अगर चर्चा की जाए दोस्तों तो वहां पर सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगता है, अर्थात हैव ना होकर के क्या हो जाएगा दोस्तों, हैज हो जाएगा, अर्थात बी पार्ट में हमारा एरर है। उसी तरह देखिए दोस्तों ईच बॉय एंड ईच गर्ल, तो देखिए दोस्तों ईच आ गया, हमने कहा कि ईच बॉय एंड ईच गर्ल, प्रत्येक लड़का और प्रत्येक लड़की, वाज डियर इन द पार्टी, वाज माने थे, डियर माने वहां, इन द पार्टी मतलब पार्टी में, तो आप क्या देख रहे हैं दोस्तों, ईच बॉय एंड ईच गर्ल, प्रत्येक लड़का और प्रत्येक लड़की पार्टी में थे, तो देखिए दोस्तों हमने कहा था ना ईच वाले का, ये देखिए क्या कह रहा है, ईच बॉय एंड एवरी मैन वेयर, तो दोस्तों अगर इस तरह रहेगा तो उसके साथ क्या लगेगा, सिंगुलर लगेगा, और यही चीज यहां भी है दोस्तों, देख रहे हैं ईच बॉय एंड ईच गर्ल वाज देयर, अर्थात दोस्तों इसमें नो एरर है, हमारा सही हो जाएगा। कभी कभी दोस्तों एरर में पूछा जाता है, अर्थात इंप्रूवमेंट में पूछा जाता है, देखिए लिखा है मोर देन, क्या कह रहा है सुनिएगा, रुक जाइए छोटा कर देता हूं, क्लियर नहीं दिख रहा होगा अभी, हाँ दोस्तों देखिए मोर बुक्स देन वन, तो बहुत सी किताबों में से एक इज नीडेड टू रीड थॉट टू क्वालिफाई एस एस सी सी जी एल, तो दोस्तों हमने कहा कि मोर देन, मोर बुक्स देन वन, अगर मोर बुक्स देन वन अगर इस तरह आ जाए दोस्तों तो इसके साथ जो हेल्पिंग वर्ब लगेगी दोस्तों वो प्लूरल लगती है, अर्थात इज ना होकर के आर नीडेड हो जाएगा। वहीं रेड बीन्स एंड राइस इज माई मॉम्स फेवरेट, रेड बीन्स एंड राइस मतलब रेड बीन एंड राइस जो है ये मेरी मॉम का पसंदीदा भोजन है, नो इम्प्रूवमेंट है दोस्तों, कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं होगा, अर्थात हम बताएं कि अगर कोई एक ही चीज के बारे में चर्चा की जाए तो वहाँ हेल्पिंग वर्ब जो लगेगी सिंगुलर ही लगेगी, तो सही हो जाएगा। वहीं देखिए दोस्तों ईच मैन एंड ईच वोमेन वर डूइंग वेल, इसी तरह है दोस्तों चौथे की तरह है, देखिए चौथे की तरह है, इसीलिए दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा ईच मैन एंड ईच वोमेन, तो इसके साथ वर नहीं होगा दोस्तों, वाज हो जाएगा। वहीं अगर आखिरी वर्ड पे बात करें माई अंकल एंड गार्जियन, तो दोस्तों मेरे अंकल और गार्जियन मतलब अंकल ही गार्जियन है, देख रहे हैं दोस्तों दो दो नाउन एंड से जुड़ा है, देखिए दोस्तों फिर से बता देता हूं, दो नाउन एंड से जुड़ा है और एक के पहले आर्टिकल लगा है, दूसरे के पहले नहीं लगा, मैंने कहा दोस्तों नाउन प्लस नाउन, दो नाउन रहेगा, एक के पहले आर्टिकल रहेगा, एक के पहले नहीं रहेगा, तो इसके साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगेगी। अगर दोस्तों नाउन प्लस नाउन अर्थात दोनों नाउन रहेगा दोस्तों,
दोनों नाउन रहेगा और दोनों के पहले आर्टिकल लगेगा तो इसके साथ प्लूरल लगेगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं दोस्तों हैव लगा है, हैव नहीं होगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों हैज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हैज हो जाएगा। किसी को कहीं दिक्कत हो तो बताइए दोस्तों। चलिए अब पांचवें पे देखते हैं। अच्छा, द प्रिंसिपल एंड द सेक्रेटरी वाज देयर, प्रिंसिपल और सेक्रेटरी जो है वहां था। तो देख रहे हैं दोस्तों नाउन और प्लस नाउन और दोनों के पहले द लगा, वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखिएगा वेरी इंपॉर्टेंट है, दोनों के पहले द लगा, इसलिए यहां वाज ना होकर के क्या हो जाएगा बहुवचन होगा। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, इज हमारा एक वचन है ये भी, तो यहां पे हो जाएगा आर दियर, अर्थात हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। समझ में आए कि नहीं बताइए दोस्तों, समझ में आ रहा हो जय हिंद लिखिए दोस्तों, समझ में आ रहा हो जय हिंद लिखिए। और आगे चर्चा करते हैं दोस्तों, आगे चर्चा करते हैं और इसको आपको बताना है दोस्तों, इसको आपको बताना है कि पहले में क्या होगा। ए कार एंड ए बाइक डॉट डॉट माई मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। तो दोस्तों ए कार एंड ए बाइक दो नाउन है, दोनों के पहले आर्टिकल लगा, इसके साथ प्लूरल लगेगा दोस्तों, इसलिए यहां पर आर हो जाएगा। स्लो एंड स्टडी डॉट डॉट द रेस, तो ये आपको बताना है दोस्तों, दूसरा तीसरा चौथा पांचवा दो तीन चार पांच, ये आपको बताना है। और ऑफलाइन कमेंट करिएगा, जैसे दूसरे का ए या तीसरे का बी या चौथे का सी, तो ये क्या होगा दोस्तों, ये ऑफलाइन आप कमेंट करिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और सारी चीजें दोस्तों इंपॉर्टेंट है, सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, मैं पूरा चर्चा करूंगा दोस्तों, देख लीजिए, आपके लिए मैं पूरा बना दिया हूं दोस्तों, ये पूरी जो है आपके लिए चर्चा की जाएगी दोस्तों, देख रहे हैं ना, तो सारा चीज आपको बताया जाएगा, इसका जो है एक एक पार्ट मैं डेली दूंगा दोस्तों, आपको डेली एक एक पार्ट आपको दूंगा। तो एक बार जल्दी से शेयर करिए इसको, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और कमेंट करके दोस्तों इसका जवाब हमको बताइएगा। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, नमस्कार जय हिंद दोस्तों।